विधानसभा चुनाव की वोटिंग को अब एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। ऐसे में दोनों ही दलों ने प्रचार में ताकत झोंक दी है। पिछले दो चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सीएम शिवराज का चेहरा है और जिस सादगी से वो जनता के बीच जा रही है उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं के बीच सियासी तापमान चढ़ता जा रहा है। वोटिंग को अब एक हफ्ता भी नहीं बचा। ऐसे में दोनों ही दलों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही तरफ से स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में है। बीजेपी की तरफ से मोर्चा खुद सीएम शिवराज सिंह ने संभाल रखा है। सीएम की मैराथन सभा और रोड शो जारी है। पहले जन आशीर्वाद यात्रा में प्रदेश की 200 सीटों तक पहुंच चुके सीएम शिवराज का फोकस अब अंदरूनी इलाकों पर है। शिवराज के बारे में एक बात और कही जाती है कि वो मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। तभी तो जब मध्य प्रदेश के ऊपर से हवाई जहाज से निकलते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि नीचे कौन सा गाँव है और वहाँ पर भाजपा का कार्यकर्ता कौन है। वैसे तो सीएम शिवराज हमेशा ही चुनावी मूड में रहते हैं और अक्सर जनता के बीच पाए जाते हैं, पर जब चुनाव सिर पर हो तो ये दौरे बढ़ जाते हैं। खुद सीएम शिवराज अपनी सभाओं में कहते हैं कि वो कई महीनों से 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोए हैं। शिवराज आपको वचन देता है किसी गलत फहमी में मत रहना। काम पहले भी मैंने किए थे और आज भी शिवराज सिंह चौहान करके दिखाएगा। सिवनी विधानसभा को मैं कागज विधानसभा बना के दिखाऊंगा। अब हमारे भी दिल में लग गई है। हम तो पार्टी के समर्थित कार्यकर्ता है। मैं कार्यकर्ता हूं। आप लोग सब कहते हैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोना, कई महीने होते दिन और रात बताऊं किस लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश बनाना है। अगर कहा जाए बीजेपी के पास सबसे बड़ी ताकत है तो वो है शिवराज सिंह की सादगी, जिसके दम पर वो सत्ता में बैठी है। मुख्यमंत्री बच्चियों के बीच मामा के रूप में नजर आते हैं, किसानों के बीच किसान पुत्र बनकर उन्हें गले लगाते हैं, बुजुर्गों के बीच बेटा बनकर तीर्थ यात्रा कराते हैं और महिलाओं के बीच भैया कहलाते हैं। लगातार 15 साल सांसद और 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी शिवराज सिंह की सादगी नहीं गई। शिवराज कहीं भी जाएं अक्सर प्रोटोकॉल तोड़कर जनता से मिलते हैं। यही वजह है कि उनकी योजनाओं में भी गरीब वर्ग को जोड़ने की कोशिश करती नजर आती रही। बीमारू मध्य प्रदेश को विकासशील बनाकर विकसित बनाया है, आगे समृद्ध मध्य प्रदेश बनाऊंगा और मेरे समृद्ध मध्य प्रदेश में गरीब को गरीबी दूर करूंगा, आमदनी दुगनी करूंगा और जब तक दुगनी नहीं हो जाती रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई का इंतजाम सरकार के खजाने से करके तुम्हारी तकलीफ पी जाऊंगा, तुम्हारा दुख दर्द खत्म कर दूंगा। और बेटा बेटियों 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा करूंगा, फीस मामा भरवाएगा और माँ बहन बेटी की आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आऊंगा ऐसे समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। आदिवासियों के बीच सीएम शिवराज उसी वेशभूषा में नजर आते हैं, उज्जैन महाकाल में शिव भक्ति में डूब जाते हैं, जब बुधनी जाते हैं तो नर्मदा में डुबकी लगाते हैं और गणेश उत्सव आए तो गणपति बप्पा को सीएम हाउस में बिठाते हैं। कुल मिलाकर शिवराज के यही रंग जनता को बहुत पसंद आते हैं। इसके साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना, तीर्थ दर्शन योजना, कन्या विवाह योजना, संबल जैसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को फायदा हो रहा है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि डंपर घोटाले से व्यापम घोटाले तक, ई टेंडरिंग से अवैध खनन तक विपक्ष ने कई बार सीएम शिवराज पर चौतरफा हमला बोला, पर ये जनता के बीच इनकी सादगी भरी छवि ही है कि चुनावी रण में कांग्रेस 14 साल से बीजेपी को मात नहीं दे पाई। कुल मिलाकर इस बार भी देखा जाए तो चुनावी रण में पूरी कांग्रेस एक तरफ है और सीएम शिवराज दूसरी तरफ। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।